Before starting this video, I am Iron Man. What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OnePlus की तरफ से आने वाले हैं तीन डिवाइस. 14 मई को इसका लॉन्च है, जिसमें कि आपको देखने के लिए मिलेगा OnePlus 7, OnePlus 7 Pro और OnePlus 7 Pro 5G. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे OnePlus 7 Pro की, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि S10 को बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म कर सकती हैं. एक तो उसका प्राइस ही, और ऊपर से डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 7 Pro में आपको काफी भयंकर डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है. जैसे कि हम लोगों को पता है, S10 में अभी तक की बेस्ट डिस्प्ले देखने के लिए मिली है, डायनेमिक इन्फिनिटी और शेप डिस्प्ले. तो इस डिस्प्ले को बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म कर देगा OnePlus 7, ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है OnePlus 7 Pro का, नॉट OnePlus 7 का, OnePlus 7 Pro का वो अच्छा है. तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OnePlus 7 Pro की, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपको OnePlus 7 Pro को शायद बाय करने के लिए मजबूर कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ऐसी जेन्युइन न्यूज के लिए, और गिव अवे भी आने वाले हैं. तो जल्दी जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करा है. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इसकी डिस्प्ले से, क्योंकि डिस्प्ले जो होने वाली है वो OnePlus 7 की हाईलाइट होने वाली है. जैसे कि S10 की डिस्प्ले जो थी वो इसकी हाईलाइट थी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे OnePlus 7 Pro की डिस्प्ले की, नॉट OnePlus 7, OnePlus 7 Pro. तो OnePlus 7 Pro का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा वो होगा 3120x1440 पिक्सल्स का, और यहाँ पर S10 की बात करें तो इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 3040x1440 का. तो यहाँ पर जो OnePlus 7 Pro की डिस्प्ले है, नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और उसका एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है 19.5:9 का, और यहाँ पर S10 का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19:9 का. तो ये तो स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात हो गई. अब बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज की. तो 6.67 इंच की आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी. इसे OnePlus 6.7 इंच ही बोलने वाला है, जैसे कि एज यूजुअल बोलते हैं, एक दो का डिफरेंस नहीं मानते. तो यहाँ पर 6.7 इंच की आपको स्क्रीन बताई जाएगी, और इस स्क्रीन का जो नाम है, जैसे कि सैमसंग ने अपना ही नाम दिया था यहाँ पर डायनेमिक इन्फिनिटी और शेप डिस्प्ले, तो OnePlus ने भी अपना नाम दिया है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले. तो ये सब होती है मार्केटिंग टर्म्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सबके पास फास्ट चार्जर है, लेकिन सबने अपना अपना नाम रखा हुआ है. कोई वूप चार्जिंग बोलता है, कोई वूप चार्ज बोलता है, कंफ्यूज. तो ये तो होगी डिस्प्ले की बात. तो डिस्प्ले नो डाउट सैमसंग S10 से काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो इसकी डिस्प्ले है S10 की, जो आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है वो 1200 निट्स देखने के लिए मिलती है, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा ऐसे निट्स वाली डिस्प्ले है. अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिफ्रेशिंग रेट की. तो रिफ्रेशिंग रेट जो होने वाला है OnePlus की स्क्रीन में वो 60-90 Hz होगा. अब आप लोगों को नहीं पता, तो जितनी ज्यादा हर्ट्ज होगा उतनी ही ज्यादा स्मूथनेस आप गेम खेलते हो आएगी. और यहाँ पर सैमसंग के जो फोन में देखने के लिए मिलती है वो है 60 Hz सिर्फ. तो यहाँ पर ऐसे जो गेमर्स लोंडे हैं उन लोगों के OnePlus 7 Pro बेस्ट होने वाला है, क्योंकि 19 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेशिंग रेट देखने के लिए मिलेगा. वाओ, तो स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल होने वाली है. तो ये जो मैंने बताया ये इसकी मेन हाईलाइट थी. अब बात कर लेते हैं पॉपअप कैमरा सेंसर की. तो आपको जो पॉपअप कैमरा सेंसर दिया जाएगा उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया जाएगा विद फोकस अपर्चर F2.0. और एक बात और है, यहाँ पर जो OnePlus 7 Pro की डिस्प्ले है वो कर्व होने वाली है, जैसे कि आपको सैमसंग नोट में देखने के लिए मिली थी. सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी वो सैमसंग की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसके बाद आपको वावे की तरफ से देखने के लिए मिली, और अब OnePlus भी इस डिस्प्ले को अपना चुका है. लेकिन कर्व डिस्प्ले जो होती है ना, उसमें एक्सीडेंटल टच काफी भयंकर तरीके से होते हैं. मतलब अगर आप इस चीज के यूज टू नहीं है तो आपको होना पड़ेगा. तो अगर आप ऐसे पहली बार किसी कर्व डिस्प्ले वाले फोन को यूज कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी. अब बात कर लेते हैं बैक की. तो बैक पर आपको देखने के लिए मिलेगी ग्रेडियंट फिनिश. ये वकार खान की तरफ से आपको रेंडर्स देखने के लिए मिले हैं. अगर आपको ये देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको तीन कलर देखने के लिए मिलेंगे, ब्लू, ग्रे और ब्राउन. और यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा. बैक कैमरास की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा विद फोकस अपर्चर F1.6, और यहाँ पर OIS और EIS दोनों ही देखने के लिए मिलेगा. और फोकस अपर्चर पर अगर आपने गौर करो तो 1.6, मतलब ऐसे खतरनाक ना इमेजेस आने वाली हैं. और दूसरे कैमरे सेंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलेगा विद फोकस अपर्चर F2.4 और 3x जूमिंग देखने के लिए मिलेगी. तो यहाँ पर जूम भी होने वाला है. और थर्ड कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर होगा. अब प्रो वेरिएंट के अंदर आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो होगी 4000mAh की बैटरी, और यहाँ पर 13W की वूप चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी. लेकिन यहाँ पर जो OnePlus 7 होगा उसके अंदर आपको सिर्फ 20W की वूप चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी, और वहां पर बैटरी भी कम दी जाएगी, बिकॉज ये प्रो वर्जन है, तो प्रो में प्रो वाली चीज होने वाली है. और यहाँ पर इस फोन के तीन वेरिएंट होंगे, 6+128GB, 8+256GB, 12+256GB. और काफी लोग कह रहे थे यहाँ पर 10GB का भी एक वेरिएंट आएगा, तो नहीं आएगा, वो गलत है इन्फॉर्मेशन. तो जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो बिल्कुल करेक्ट है. मैक्स जे की तरफ से आपको देखने के लिए मिली है इन्फॉर्मेशन, और उन्होंने काफी सारी चीजों को बताया था जो पहले लीक्स आई थी वो काफी गलत थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है. किसी OnePlus के बंदे ने उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, बिल्कुल करेक्ट. तो OnePlus 7 Pro जो होने वाला है वो बिल्कुल खतरनाक फोन होने वाला है. तो यही था आज की वीडियो में. आई होप कि आपको सब कुछ समझ आएगा,
अगर आपको सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर आप ऐसे गिव अवे में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे कर लेना इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू व्हाट यू हार्ट फील्स, स्टेडियम विद एशियन बॉक्स गाइस, बाय। मैं मारूंगा कभी ना कभी, कुछ नहीं होता अच्छाई से, हारूंगा कभी ना कभी, मैं वाकिफ हूँ सच्चाई से। अब हारूंगा तो हारूंगा, क्या कर सकते हैं होनी का, पर लाइफ में लड़ना ऐसे जैसे फिल्मों में लड़ता टोनी जा। धोनी का शॉट बंदा रहा था मुझको जो सीखा, बल्ला छूटा उससे पड़ोस का फूटा टीवी सोनी का।